सराई चोरट्याने आजीच्याच घरात चोरी केल्याची घटना पाचपावली पोलीस ठाण्या हद्दीत समोर आली असून पोलिसांनी संशयाच्या आधारे अटक केली, चौकशी केली असता नातवाने गुन्ह्याची कबुली दिली. स्वतःचे खर्च पूर्ण करण्यासाठी आरोपीला चोरी करण्याची सवय होती. आदित्य बब्बर असे आरोपीचे नाव असून पोलिसांनी आरोपीकडून 95,000 सोनीच्या दागिन्याची रिकव्हरी केली आहे. बराबर आहे. पाचपावली एरिया के वारसी नगर में रहने वाले राधिका साड़वे आजी है. वो नेबर्स के घर पे सोई थी रात में. तो उसकी जानकारी मिली हमको कल 11 बजे ऐसी सी हो गए. तो हमने तुरंत दखल लेके गुना दाखिल किए. गुना दाखिल करके डाउटफुल जो सोचे थे वो उस पीरियड में नातू आ सकता है, बीच बीच पैसे मांगता था उसका ये नातू था. तो उसको अरेस्ट किए 3 घंटे में. उसका नाम आदित्य उर्फ दिल्ली विकार बब्बर. इसके पहले भी उसके ऊपर गुने दाखिल है. उसको ताबे में लेके जितना भी माल गया, मंगलसूत्र, अंगठी, नथ और कैश 15,000 रुपये, वो सभी ताबे में लिए, जब्ती करके उसको अरेस्ट किया है. और उसका आदित्य उर्फ दिल्ली विकार दरबार है, 22 साल का है. ये चिड़ीमार पट्टा है समझो. उसके ऊपर इसके पहले भी गुने दाखिल है. वो कुछ काम धंधा करता नहीं. इसके पहले भी एक 392 किया है, 425 के भी गुने दाखिल है इसके ऊपर. और लड़की भगाने भी गुने दाखिल है. बदमाश लड़का है. उसको पुलिस ने डाउट के ऊपर ताबे में लिए. और आजी का जो माल चोरने वाला उसका नातू है, उसको अरेस्ट किया गया है. बराबर है. वो दिन में जो नाना भोगे की टीम है, इमरान वगैरह, उन्होंने सोचे कि यहाँ पे चोरी करने वाला कौन हो सकता है. रिकॉर्ड पे गुनहगारी था वो. फिर उसका लोकेशन आजू बाजू ढूंढे, लोगों को पूछे. ये आजू बाजू वो उस दिन से जैसा चोरी हो गई रात में, तो सुबह वो दिखा नहीं. वो डाउट के ऊपर बिना सीसीटीवी कैमरे या बिना मोबाइल का लोकेशन लेते हुए ये उसको फिर वो ढूंढे, उसको ताबे में लेके अरेस्ट करके उसको पूरा मुद्देमाल उसके पास से जब्त किए. टोटल 97,500 रुपये का मुद्देमाल जब्त किए. उसमें से पैसा जो है उसने खर्चा कर लिया. वो पैसा बिना काम धंधे वाला रहने की वजह से जैसे एक अंदर मौका मिलता है चोरी करके दारू पी के मजा करने वाला है, लड़का है टपोरी गिरी, इसलिए उसको ताबे में लेके कायदेशीर कार्रवाई कर रहे हैं.